हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऊना और हरोली के लोगों को या युवाओं को खालिस्तानी या आतंकी घोषित करने की कोशिश ना करें। ये दुस्साहस जो उन्होंने किया है ऊना के लोगों के ऊपर, ये यहीं समाप्त कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये डेलीगेशन अभी मुझे मिलने के लिए आया है, ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री किस तरीके से जो है इलाके के लोगों को जो है आतंकी घोषित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये जो हमारा जिला है, ये सब लोग जो है देशभक्ति से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसने कभी खालिस्तान की बात की हो, जिसने कभी जो है आतंकवाद के साथ जिसका जो है जुड़ाव भी रहा हो। लेकिन सरकार जो है स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे, मुख्यमंत्री स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे। ये बॉर्डर के इलाके हैं, मेरे अपने यहाँ पे इलाके में कम से कम 10,000 सिख फैमिलीज रहती हैं, सिख जट फैमिलीज रहती हैं, और सब लोग जो है एक सद्भावना से रह रहे हैं। गुरु नानक जी के वंशज की नगरी है ऊना, और अभी भी हम जहाँ पे खड़े हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का ये तपोस्थली है, यहाँ पे उन्होंने तप किया है। यहाँ के लोगों पे आप उंगली उठा रहे हैं बिना सोचे समझे। आप धर्मशाला की असेंबली में किसी ने खालिस्तान लिखा तो ये आपकी चूक है। आप सरकार में बैठे हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको चाहिए था कि सुरक्षा का इंतजाम करते विधानसभाओं में, आप कर नहीं पाए, आप फेल हो गए, आपका तंत्र विफल हो गया, और उस पे जो है आप जो है किसी पे उंगली उठा रहे हैं। आपकी सांसद जो है महिला सांसद वो उंगली उठा रही है। अगर वहाँ पे लिखा गया, आपके पास एजेंसियाँ हैं, आप उनको पकड़ो, कौन लोग लिख के गए वहाँ पे, कोई वारदात होती है, ये सरकार का काम है कि उसको पकड़ना। लेकिन यहाँ पे ऊना में कोई टूर्नामेंट हुआ हो और उसको मुख्यमंत्री इंगित करें कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कोई खड़ा है, अरे ये जो है यहाँ पे बच्चों ने जो टूर्नामेंट कराया था वो तो नशे को रोकने से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लड़कों ने जो पहल की हुई थी उसमें तो ये था कि यहाँ से नशे का निवारण कैसे करना है, और 95% लोग जो है उससे बाहर हो चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो है अपने पद की गरिमा को भी छोड़ते हुए आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो है उंगलियां उठाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर शराब पकड़ी जाती है, शराब के कारखाने पकड़े जाते हैं, तब आप लीडर ऑफ अपोजिशन पे हमला करते हैं कि उनके साथ आदमी खड़ा हुआ है, और जबकि कारखाने जो है चार कारखाने अवैध तौर पे चले हुए थे, ये आपकी विफलता थी। अगर यहाँ पे बारूद का कारखाना पकड़ा जाता है तब आप कहते हैं कि ये लोग जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आप सरकार में 4 साल से आप बैठे हुए हैं, दोषी हम हो जा रहे हैं। अब आपको जो है वहाँ पे विधानसभा के बाहर खालिस्तान लिख दिया, आपने उनको पकड़ने की बजाय जो है राजनीति करने की कोशिश की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसको घुमाने की कोशिश मत करो, लोगों की भावनाओं से मत खेलो। लोग यहाँ के जो है सद्भावना चाहते हैं, खासतौर पर ऊना जिला के लोग सद्भावना से पूरी तरह लबरेज हैं, पूरी तरह भरे पड़े हैं। देश में उनका विश्वास है, देश की एकता अखंडता के लिए यहाँ पे लोग जो है फौज में कितने बड़े पैमाने पे हमारे सिख लड़के जो है जट लड़के जो है पुलिस में भर्ती हैं, सेना में भर्ती हैं। आप जिस तरीके से आपने ये किया है, ये कतई भी सही नहीं है, और लगातार इसको हवा देना, और आपकी सांसद कह रही है, आपकी सांसद के पास क्या सबूत है? अगर जिस लड़के की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, आप बताएं उसके क्या टेररिस्ट कनेक्शन है, किस संगठन के लिए उसने काम किया? कोई आपके पास सबूत है, कोई आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि उसने किसी के लिए काम किया हो? वो एक साधारण एक परिवार से लोग हैं यहाँ पे, और टूर्नामेंट करा रहे हैं। अगर आपने किसी चीज़ पे पाबंदी लगानी है आप लगाते ना, वो आपका काम था। लेकिन आपने उल्टा जो है सारे प्रदेश में एक धारणा की देने की कोशिश की कि जैसे ऊना के लोग जो हैं खालिस्तान समर्थक हैं, जैसे ऊना के लोग जो हैं आतंकी हैं। यहाँ तो तब आतंकवाद नहीं आया जब पंजाब में आतंकवाद पूरे परवान पे था, जब पंजाब में बम फटते थे, गोलियां चलती थी, लोग मरते थे, तब भी यहाँ के लोगों ने जो है हिमाचल प्रदेश की को जो है एक सद्भावना बनाए रखने के लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तब भी इन्होंने काम किया।
लेकिन ये जैसे आपने कोशिश की है, असल में कोशिश तो है पुलिस भर्ती। पुलिस भर्ती जो है 74,000 लोगों ने पेपर दिया, 1,80,000 ने पर्चा भरा, 74,000 लोगों ने रिटर्न पेपर दिया, 27,500 जो है उसमें आपने घोषित किया कि ये पास हो गए। उसके बाद आपने पर्चा बेच दिया, आपने सौदेबाजी कर ली, 8-8 लाख में पर्चा बिक गया। और पर्चा बेचने के बाद आपने जिन लोगों को पुलिस में भर्ती होना था वो हो नहीं सके, और आपकी वजह से, आपकी सरकार की वजह से ये सब कुछ हो। आपको तो सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। आपने युवाओं के साथ खेला है, 11 लाख बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में, 6ठे नंबर पे देश में है हम, 12.1% हमारी औसत है, जो जिस तरीके से हम देश में बेरोजगारी में चल रहे हैं, लोग पुलिस में की नौकरी के लिए दौड़े लगा रहे हैं, लोग जो है ट्यूशंस ले रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, उधर दूसरी तरफ जो है आप और आपकी सरकार और आपकी पुलिस हेरा फेरी करा के पेपर बेच रही है। आपने पर्चे बेच दिए और उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए आप ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं और पर्चे बेच दिए। अब सामने आ रहा है, आप तो FIR करने के भी पक्षधर नहीं थे, ये तो पुलिस अफसरों ने FIR कर दी, उन्होंने आपकी एक ना सुनी। जो धर्मशाला में ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, इन लड़कों की शैक्षणिक योग्यता जो है ऐसी है ही नहीं है कि ये 75-75 अंक ले जाएं। और लोग अपने बच्चों को कह रहे हैं तुम सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे, इधर आप पर्चे बेच रहे हैं। 2020 की पुलिस भर्ती में भी जो है पैसा चला और सॉल्वर बाहर से आए, लोग पकड़े गए और सारी भर्ती विवादित हुई। अगर आपने एक्शन लिया होता 2020 में, शायद 2022 की भर्ती ना विवादित होती, और 2002 साल के बाद भर्ती हुई और उसमें फिर पैसे चले। आप होम मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपका डिपार्टमेंट है पुलिस भर्ती कराना। अभी तक आपने किस पुलिस वाले पे कार्रवाई की? किनका जिम्मा था इन पेपरों को छुपाने का? किनका जिम्मा था इन पेपरों को जो है आगे ले जाने का? आपने SIT बनाई, SIT में वही अफसर रख दिए जो कि जिनके नीचे जो है ये सारा घटनाक्रम हुआ है। क्यों नहीं आपने CBI इंक्वायरी करवाई? क्यों नहीं आपने जो है इसकी न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर किए? आप जो है पुलिस भर्ती में जो है जो बदनुमा दाग आपकी सरकार पे लगा है उसको दबाने के लिए आप ऊना और हरोली और आसपास के इलाके के सिख पॉपुलेशन पे उंगली कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है और ये आतंकी है। ऐसा करने का प्रयास भी मत करना, ये दुस्साहस मत करना, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ।